वो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। धीरे धीरे सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। आप सभी का आज के इस इंट्रो सेशन में स्वागत है। तो सभी अपना वीडियो ऑन करेंगे। थैंक यू। तो हम आज बात करेंगे अलग अलग प्रकार के रायते और उसके पीछे थोड़ा हम बात करेंगे। जनरली रायता किससे बनता है? दही से बनता है। हाँ, तो दही का थोड़ा इम्पोर्टेंस जानेंगे और अलग अलग प्रकार के रायते हम कैसे बना सकते हैं। अभी गर्मी का सीजन है तो हमको दही पसंद आती है। दही छाछ, तो ये कैसे बनाएं अलग अलग वेरिएशंस करके, अलग अलग मसाले यूज करके। तो रीना दीदी आपको बताएंगे। तब तक हम देख लेते हैं कि दही से क्या क्या फायदे होते हैं। हम दही खाते हैं किसके लिए खाते हैं? मेनली कैल्शियम के लिए खाते हैं। पर यही दही अगर हम बराबर तरीके से नहीं खाते हैं ना, तो ये हमें फायदा देने के बजाय नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो ये दही कैसे खाना चाहिए, कैसे बनाएं वो, और किन किन चीजों के साथ मिक्स ना करें, ये सब हम चर्चा होलिस्टिक होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में करेंगे। अभी हम फिलहाल देख लेते हैं कि दही क्यों खाना चाहिए। हम मेनली दही दूध की चीजें कैल्शियम के लिए खाते हैं, पर उनकी मात्रा भी बराबर लेनी है हमें। अगर हम ज्यादा मात्रा में भी लेते हैं ना चीजों को, फिर वो हमारे पेट के लिए हैवी पड़ जाती है। फिर डाइजेशन के बजाय फिर क्या हो जाता है? इनडाइजेशन हो जाता है। तो दही के फायदे देखते हैं। पहले दही क्या है? कैल्शियम से भरपूर है और कैल्शियम हमारे दांतों के लिए, हड्डियों को मजबूत रखने के लिए बहुत जरूरी है। जो भी हम कार्य करते हैं उसमें हमारे मसल्स, हड्डियां, ज्वाइंट्स जरूरी हैं। और हाँ, हम खाते हैं तो हमारे अगर दांत मसूड़े स्वस्थ होंगे तो हम उसको अच्छे से खा पाएंगे। और दही क्या करती है? वेट को कम करने के लिए मदद करती है। और दही खाने से क्या होता है? हमें संतुष्टि मिलती है खाने की भी। हम किसके लिए खाते हैं? मन के लिए खाते हैं, अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए खाते हैं। ये जो आँख आँख नाक और मुंह से खाते हैं, आँखों से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं और मुंह से खाते हैं और हाथ से उसको टच करते हैं, तो हम पंच इंद्रियों से खाते हैं।
इसीलिए हमारा भोजन कैसे होना चाहिए जो हमारे शरीर को पोषण भी दे और हमारे शरीर में एफसाब भी हो। तो ये हमारे शरीर में एफसाब कैसे हो, डाइजेशन कैसे होता है, कब होता है कब नहीं होता है, और दही कब खानी चाहिए कब नहीं खानी चाहिए, और दूसरी अलग अलग चीजें हम नेचर ने, कुदरत ने हमें बहुत सारी चीजें खाने के लिए उपलब्ध कराई हैं। तो हम अलग अलग चीजें तो खरीदते हैं और खाते हैं, पर अगर हमें खाने का भी सही तरीका और कब खाना चाहिए वो भी हमें सजगता नहीं होती है तो भी गड़बड़े होती हैं, फिर शरीर में छोटी मोटी तकलीफें शुरू होती है। तो आयुर्वेदा हमें क्या बताता है कि वात पित्त कफ का वो मेन हार्ट है आयुर्वेदा में, और वात पित्त कफ को अगर हमें समझना है तो उनके लिए हमें स्टडी करनी पड़ेगी। वात क्या है, उसमें कौन से तत्व मौजूद है, पित्त क्या है, कफ क्या है, इनको समझना पड़ेगा। और दूसरा है स्वाद। स्वाद भी अलग अलग प्रकार के होते हैं और हर चीज का अलग अलग स्वाद होता है। जैसे करेला है कड़वा है, मैंगो है, आम है वो है खट्टा, पर गर्मी में वो पककर क्या हो जाता है, मीठा। तो आयुर्वेदा में ऐसे अलग अलग चीजों का अलग अलग इम्पोर्टेंस बताया गया है। पहले खाने के समय उसका स्वाद कैसा है, वो पेट में जाकर कैसा करता है, हमारे पेट में क्या है, एसिड है जो खाने को पचाता है, तो वो पेट में डाइजेस्ट होके क्या कर क्या बनता है, एसिडिक है अल्कलाइन है, उसका तासीर क्या है, ये जो सब है ना वो होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में हम चर्चा करेंगे। अल्कलाइन वाटर क्या है, हमें क्यों पीना चाहिए, कौन सी तकलीफ के लिए कौन कौन सा अल्कलाइन वाटर है, ये सब है ना कोर्स में चर्चा करेंगे। दूसरा, हमें खाना किस प्रकार पकाना है, कौन से बर्तनों में पकाना है, ताकि जो भी हम खाते हैं उसका पूरा पूरा न्यूट्रिशन हमको हमारे शरीर को मिले। अगर हम खाना भी गलत बर्तन में पकाते हैं तो भी क्या होता है, जिस पोषण के लिए हम खाते हैं वो नष्ट हो जाता है। तो और दूसरा, खाना खाने का सही तरीका क्या है, अगर हम खाते भी बराबर नहीं है तभी भी क्या होता है, गड़बड़े हो सकती है। और मेनली आयुर्वेदा जुड़ा है हमारे पेट से। तो अगर हम सही तरीके से ये नॉलेज के साथ ये जीवन जीते हैं तो हमारा जीवन सुंदर और रसमय हो जाता है। देखो, अगर हमें छोटी भी तकलीफ होती है, सिर्फ सर भी दुखता है, तो क्या होता है, हमें कुछ करने का मन नहीं होता है। छोटी छोटी तकलीफें कभी कभी हमारी सोच की वजह से भी हमें प्रॉब्लम होती है। तो इसमें क्या, मुद्राएं भी बहुत इफेक्टिव है। तो अगर हमें कुछ तकलीफ है और हमने हमारे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, मतलब जैसे कि मेडिसिन, हम कभी बाहर गए हैं तो हम क्या करें, तो ये मुद्रा करके भी हम खुद को हील कर सकते हैं। तो ये मुद्रा का पीडीएफ भी हम कोर्स में हमें मिलता है। और अभी जैसे कोविड की सिचुएशन में हमने देखा इम्यून सिस्टम, तो ये इम्यून सिस्टम हमारे शरीर में अलग अलग बहुत सारे सिस्टम्स काम करते हैं,
हमारा नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, अलग अलग बहुत सारे सिस्टम्स काम करते हैं। तो ये पूरे सिस्टम्स को कैसे ठीक रखें, हाँ, और कभी कभी हमारे इमोशंस के वजह से भी हम बीमार करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे हमारा जो भोजन है ना वो भी रीजन है। हमारे इमोशंस हमारे कहाँ से आते हैं, अंदर से आते हैं, हमें भी मालूम नहीं पड़ता है। तो यह कोर्स में वह भोजन बताया जाता है जो हमारे बॉडी माइंड और सोल के लिए है, जो हमारे दोषास को बैलेंस रखे। और कुछ कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो तीनों दोषों को नुकसान करते हैं, तो वो कौन से हैं? अपने दोषों को बैलेंस करने के लिए हमें कैसे सही भोजन का चुनाव करना है, मसाले कौन से यूज करने हैं, अपने दिनचर्या में, अपने डेली रूटीन में हर्ब्स को कैसे शामिल करें, वाइट शुगर को कैसे रिप्लेस करें, वाइट शुगर से कितना नुकसान होता है हमारे शरीर को, ये सब हम जानेंगे। तो अभी हम वापस आते हैं कार्ड, आज का रायते का जो रॉ मटेरियल है वो किससे बनता है, दही से। दही होगी तो हम रायता बना पाएंगे। तो कैल्शियम के लिए दही खाते हैं, वेट लूज के लिए मदद करती है, ट्रिगर्स लेस प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिसोल, हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन बनता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। तो दही खाने से क्या होता है, हमारे गट के में जो बैक्टीरिया प्रोबायोटिक जिसको कहते हैं वो बनते हैं, जो हमारे गट को हेल्दी रखते हैं। तो अगर हमारा पेट, हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं तो फिर हम स्वस्थ होते हैं। तो पेट को हेल्दी रखने के लिए हमें अच्छे अच्छे भोजन का चुनाव करना है, और अपने लंग्स को मजबूत करने के लिए हमने क्या करना है, डेली सुदर्शन क्रिया करनी है। सुदर्शन क्रिया क्या करती है, हमारे लंग्स की कैपेसिटी को 90-95% तक बढ़ाती है। फिर हम हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाती है, फिर हमें जो शरीर में टॉक्सिन्स तैयार होते हैं उसको वो निकालने में मदद करती है। तो सुदर्शन क्रिया जिन्होंने सीखी है वो अवश्य प्रैक्टिस करें, और जिन्होंने नहीं सीखी है वो जरूर सीखें। 10, 12, 11, 13 मई में होने वाली है, 4 बैचेस में, सवेरे 6:30 से 8:30 और 10:30 से 12:30, 3 से 5 और 7 से 9। हम डिटेल्स डाल देंगे उसके, तो जिन्होंने नहीं सीखी है वो जरूर जरूर लिंक में जाके क्लिक करके रजिस्टर करें। तो अभी और दूसरा है प्रोबायोटिक की बात की, हमारे पेट के जो भी गट गट के लिए जो हमारे बैक्टीरिया जरूरी है वो कहाँ से मिलते हैं, दही से, फ्रेश दही से मिलते हैं, और डाइजेशन में हेल्प करती है दही। और स्टमक एक के लिए अच्छी है, एनहांसेस इम्यूनिटी को बढ़ाती है, हमारे स्किन में ग्लो लाती है, हमारी स्किन क्या हो जाती है, चमकदार बनती है। और हाई बीपेंस वेजिनल इन्फेक्शन गुड फॉर बोन हेल्थ। और दही किसके साथ खानी चाहिए, किसके साथ नहीं खानी है, कब खानी है, कब नहीं खानी है, ये सब हम चर्चा करेंगे कोर्स में। और दही कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में
मदद करती है। अभी रीना दीदी से हम सुनते हैं कि हम अलग अलग प्रकार के कैसे वेरिएशन करके रायते बनाते हैं, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। और होलिस्टिक कुकिंग कोर्स के लिए भी रीना दीदी आप बताना, फिर कभी कभी होने जा रहा है, तब तक मैं लिंक शेयर करती हूँ। हाँ हाँ तो मस्त बताया ना, दही के बारे में बहुत कुछ हमें जानने मिलता है। नहीं, छोटी छोटी बातें हैं पर फिर भी। तो और कोर्स के बारे में भी उन्होंने बता ही दिया। और कोर्स ना हमारा अभी 23 से है, 23, 24, 25। और मेन तो दीदी आने वाले हैं जो इस कोर्स के फाउंडर है, जो गुरुजी के साथ ये कोर्स उन्होंने जो मैनुअल बनाया, डिजाइन किया है, वो गुरुजी के साथ उन्होंने बनाया है। वो खुद ही इस कोर्स के फाउंडर है, तो उनसे मिलने का कितना मजा रहेगा ना। उनका नॉलेज इतना है और देश विदेश हर जगह वो उनके जाके अनुभव है बहुत सारे, और उनसे भी वो भी हमें शेयर करते हैं जब हमें वो मिलते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है ना उनसे मिलना। और लास्ट कोर्स भी एक बड़ा हुआ था, हमने उन्हें बुलाया था, लोगों के सवाल खत्म नहीं हो रहे थे, ऐसे ऐसे उनके साथ सवाल करते थे लोग और ऐसे ना। तो मजा है उनके साथ उनका अनुभव सुनना। और एक बड़े कोर्स में आप ज्वाइन होते हो तो वो जो नॉलेज मिलता है ना वो अलग और अनोखा रहता है। ऐसे 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 कुछ नहीं है, छोटे कोर्स का भी अच्छा ही रहता है, पर जब दीदी आती है तो बात अलग हो जाती है ना। उनके पास भंडार के भंडार पड़े है ना, कोर्स उन्होंने इतने लिए है, बहुत अनुभव है। इंडिया के तो अनुभव रहते ही है, पर जो आउट ऑफ के जो अनुभव रहते हैं बहुत सुपर रहते हैं उनके। और उनसे सुनना मतलब ऐसे हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हाँ आपसे ऐसे अनुभव हुए, आपको ये हुआ, आपको ये चीज नहीं मिली, ऐसे कैसे कि वहां पे ये चीज नहीं मिली। बहुत सिंपल सी चीज रहती है तो भी नहीं, और नहीं वो वहां पे उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी नया कुछ देखा है उन्होंने, और वहां पे जो मिल रहा है वो इंडिया में नहीं है। तो बहुत सी चीजें ऐसी है नहीं, तो उनसे ज्ञान पाना भी एक हमारे नसीब का ये है नहीं, कि एक एक बार तो भी उनका हमें मिले। तो जरूर से जिनका भी बाकी है वो भी करे, और नहीं बाकी है जिन्होंने किया है ना वो भी रिपीट कर सकते। तो मजा है ना उनके साथ भी जुड़ना। हाँ, तो और हर कोर्स नया रहता है हम लोगों के लिए, कितना भी वही सुना रहेगा ना फिर भी वो हर बार नया लगेगा। बहुत टीचर का फ्लेवर रहता है। हाँ, और हर बार अरे मैंने वो तो लिखा था पर फिर भी आज मुझे ये नया लगा, ऐसे हमेशा होता है। तो बहुत सुंदर है ये कोर्स, कर लेना चाहिए। सोनिया दीदी ने बहुत शॉर्टकट में सब चीजें हमें हेडिंग के साथ बता ही दिया है, क्योंकि वो शॉर्टकट ही बता सकेंगे, क्योंकि पूरा जो कोर्स है वो 3 दिन में बताना रहता है, क्योंकि पूरा जीवन का सार है आयुर्वेदा का, तो वो बताने के लिए वो 2-2, 2.5 घंटा उसमें जाता ही है। हाँ, और उसके बाद भी लाइफ टाइम 24/7 आप हमारे साथ रहते व्हाट्सएप में, और कुछ भी क्वेरीज रही, कुछ भी सवाल रहे, हम पर्सनल भी कॉल करके भी बातें करते हैं या ग्रुप में भी शेयर करते हैं, तो लोगों को मिल जाते हैं आंसर। तो ऐसे भी हम सब कंटिन्यूस आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम लोग 8-9 टीचर इस ये कोर्स के लिए सेवा में है अभी, और बहुत बड़ी सेवा चल रही है। बहुत आप लोग भी हमसे जुड़े हो, रोज जुड़ते भी हो, और आप लोगों की भी सेवा चल रही है हमको पता है। और बहुत अच्छी बात है कि आप थोड़ा भी समय, अपना कीमती समय भी कुछ औरों के लिए स्प्रेड करने के लिए, अच्छी बात स्प्रेड करने के लिए आप लोग आगे आए हो, बहुत अच्छी बात है और जरूरी भी है नहीं, अपनी
लाइफ में ऐसे कुछ छोटी भी हमारी छोटी छोटी भी सेवा हमसे हो जाए तो चलो देखते हैं रायता हम किस तरीके से बना सकते हैं। और रायता सोनिया दीदी ने बता ही दिया दही के इम्पोर्टेंस, और दही कब, दही क्या, दही का क्या डिटेल है, किस कैसे चेंजेस होंगे या क्या करना रहता है, बहुत सारी चीजें कोर्स में भी सिखाई जाती है दही के बारे में। तो हम फिलहाल अभी और भी कुछ क्वेरीज है तो हम सोनिया दीदी से बाद में जानेंगे। और हमारे हैप्पीनेस के भी कोर्सेस होते हैं सुदर्शन क्रिया के, उसका भी अभी 7:30 से 8:30 उसका भी इंट्रो सेशन है, आप लोग जरूर जुड़िए। मेडिटेशन होते हैं उसमें, नॉलेज मिलता है, स्टोरियां रहती है गुरु की, तो अच्छी अच्छी बातें सुनना किसको अच्छा नहीं लगता ना, तो ये भी हम सब सुनेंगे। तो आज 7:30 से 8:30 लिंक आ जाएगी ग्रुप में, उसमें ज्वाइन हो सकते हो आप लोग। तो हम जानेंगे कि रायता, और रायते के ना बहुत प्रकार होते हैं और बहुत सारी चीजें हम बनाते हैं, और इस सीजन में भी हमारी बहुत सारी वेरिएशन बनती है कि गर्मी आई तो हम रायता भी खाए तो हमें ठंडक रहे, शरीर हमारा ठंडा रहे। हमने कभी मिलेट के, अभी तो हम मिलेट पे अवेयरनेस बढ़ गई है तो हम मिलेट के साथ भी रायता खा रहे हैं, या फिर हम राइस के साथ खाते हैं, बहुत जन पराठे के साथ खाते हैं, रोटी के साथ खाते हैं, भाकरी के साथ खाते हैं, थाली पीठ के साथ खाते हैं। तो ऐसे वेरिएशन में रायता बनते हैं, है ना। तो कौन सा है पहला हम देखते हैं, ग्रीन दूधी का रायता। दूधी अपने आप में इतनी ग्रीन नहीं रहती है ना, तो हमें पूरा वो रायता ना ग्रीन कलर का पसंद है। अब ग्रीन रहा तो आयरन भी मिल गया है ना, दूधी है अपने आप में कितना ताकतवर है ना, दूधी खाने से हर बीमारियां दूर दूर रहती है वो हमें पता ही है, और हल्का है, ठंडा रहता है दूधी से हमारा पेट, हमारी तासीर, पित्ता वालों के लिए तो काफी अच्छा है। तो उसके साथ दो फ्लेवर में हम बना सकते हैं, एक है मिंट फ्लेवर, तो मिंट की चटनी हम ऐड कर सकते हैं दही में। हाँ, और दही में मिंट की चटनी में भी क्या डालोगे, थोड़ा सा अदरक, मिर्ची, जीरा पाउडर और नमक, तो नमक हम ब्लैक सॉल्ट डाल सकते हैं। तो ये फुदीना की चटनी हमें दही में ऐड करके ग्रीन बना देगी। हाँ, अब क्या रहा, तो दूधी, तो दूधी तो कच्ची हम नहीं खाएंगे है ना, ये तो हमें पता ही है। अब दूधी दो तरीके से हम कर सकते हैं, दूधी को चॉप्ट करके उसको इडली पात्र में पका के बिना पानी की वैसे हम डाल सकते हैं बारीक चॉप करके, या बिना पात्र वही पात्र में हम खीस के भी पका के डाल सकते हैं। दूसरा है कि हम दूधी को खीस के जीरा का 1 चम्मच घी में जीरा और कड़ी पत्ता का तड़का देना है, और पूरा 5 मिनट सौते करके, क्योंकि खीसा हुआ है तो फटाफट सौते भी हो जाएगी और पक भी जाएगी, वो हमें डाल देना है। तो ये पूरा दूधी के साथ हेल्दी वाला रायता बन गया। हाँ, तो अभी अभी और क्या चाट मसाला डाल सकते हैं, अभी दही अपने आप में हल्की सी खटास, हमें वैसे फ्रेश लेना है पर दही अपने आप में तो खटास रहती ही है ना, तो साथ में हम क्या करेंगे, उसमें थोड़ी सी जैगरी सिरप, जैगरी पाउडर या ब्राउन शक्कर या बूरा शक्कर, ऐसा कुछ भी कोई भी स्वीटनेस डाल सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। आपको नहीं पसंद है आप विदाउट स्वीटनेस के साथ भी खा सकते हैं, तो ये बहुत सुपर लगता है और किसी को ना ज्यादा पता नहीं रहेगा, दूधी अपने आप में खास टेस्ट नहीं है। तो मिंट के फ्लेवर के साथ हमने कुछ वेरिएशन वाला खाना दूधी रायता खाया वैसे हमें लगेगा, और बच्चों को भी इजीली पता नहीं चलेगा ये चीज, तो ये हम कर सकते हैं दूधी का रायता। अब दूधी के रायते में फुदीना सपोज हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास पालक रहेगी है ना, कभी पालक रहती है तो पालक से भी हम ग्रीन कर सकते हैं, पर कच्चा नहीं। हाँ, पालक को भी थोड़ा सा हमें पका के ग्राइंड करके
उसकी प्यूरी डाल के या उसकी चटनी बना के ऐड कर, थोड़ा सा मतलब कच्चा भी चल जाएगा, पर अगर बहुत क्वांटिटी में सपोज डाल रहे हैं तो फिर इस तरीके से कर सकते हैं। और दोनों मतलब दोनों फ्लेवर सुंदर बनते हैं, क्योंकि बाकी सब मसाले से पालक का जो पूरा टेस्ट रहता है वो ढक जाता है, और मीट से अपने आप में ठंडक है, दूधी की भी अपने आप में ठंडक है। तो ऐसे सुंदर सा रायता हम घर में बना सकते। अभी मुझे यही बोलना था कि रायते बहुत प्रकार के हैं, और भी एक दो दिन के बाद में और भी वेरिएशन में ना रायता लाऊंगी। बहुत सुंदर है, न्यूट्रिशंस वैल्यू भी रहती है उसकी, और भी डिफरेंट फ्लेवर है। तो वो रायते में और 2 दिन के बाद भी ना, और आपके पास आपको बताने के लिए जरूर मैं एक सेशन और लूंगी, क्योंकि बहुत वेरिएशन है रायते में भी। और आज और एक रायता हम जानते हैं कि एक अभी है कि कैल्शियम, फुल ऑफ कैल्शियम के साथ हम वो रायता बनता है, पूरा कैल्शियम के साथ वो रायता बनता है। अब देखो दही अपने आप में वाइट है ही, और साथ साथ मखाना, तो मखाना का रायता जो है ना, कभी भी कंपनी पे नहीं जाना है, हमने कभी कंपनी सोच के घी नहीं लेते हैं। अगर आपको कुछ है कि यहाँ पे 100% आपको उसका पूरा डीप नॉलेज है, वो गौशाला का या बहुत कुछ है, नामचीन है, और उसमें कोई भी मिलावट या मिक्सिंग नहीं रहता है, तो भले वो ब्रांड हो आप ले सकते हो। पर अगर नहीं तो देसी गाय का जो A2 मिल्क का जो घी बनता है, उसकी कोई ब्रांड नहीं रहती है, पर कोई कोई अपने नाम से वो ब्रांड बना के सेल करते हैं। इवन अगर आप आई आर्ट ऑफ लिविंग के हो तो पंचकर्मा में भी बाजू में डिवाइन शॉप है, वहां पे 2,500 या 3,000 का वो A2 घी मिलता है, आप ले सकते हो। देन नोट घी तो मिल्क, ओके ओके। तो मिल्क तो आपको अपने आजू बाजू में आप जहाँ रहते हो वहां पे आपको सर्च करना पड़ेगा, गूगल सर्च करो कि A2 का मतलब गौशाला, मेन तो देखनी है कि गौशाला कहाँ है, देसी गाय या गिर गाय, ऐसे गायों का तबेला कहाँ है वो आपको सर्च करना पड़ेगा, या आपके ही कोई आजू बाजू के या आपके ही दूध वाले को पूछ सकते हो, वाया वाया उनके थ्रू से ना आपको कहीं ना कहीं से मैसेज मिलेंगे। हाँ तो ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि ये रोजमर्रा की बातें हैं। हाँ घी है तो एक बार कहीं से मंगा सकते हैं, पर दूध की बात है कि रोज हमको जरूरत पड़ेगी, तो आपके नजदीक के एरिया से आप चुनिए, है ना। और आप कहाँ रहते हो वो भी बताओ, तो वहां पे कोई होगा तो हमें कुछ सर्च करके पता चला तो हम भी बता दें। तो माटुंगा मुंबई, ओके देखते हैं। माटुंगा में भी हमारे कोई है फ्रेंड्स है, हम पूछ के अगर रहा तो बताएंगे पक्का। तो दूसरा हम देखते हैं कि मखाने का रायता, मखाने भी अपने आप में फुल ऑफ कैल्शियम है नहीं, और वो भी कीचड़ में ही, कल भी मैंने बात की थी नहीं, कमल की बात कितनी सुंदर थी, कमल अपने आप में कितना खिलता हुआ है और वो फिर भी अनटच है। हाँ पर मखाना भी ना, वो भी वैसे ही पानी में, वो एक लोटस है भी है, उसके साथ ही वो मखाने भी ग्रो होते हैं। हाँ तो ऐसे इसकी खेती होती है एक्चुअल में, और थोड़े से कॉस्टली रहते हैं, पर इसकी ना जो मावजत रहती है और इसकी जो खेती रहती है वो संभाल के उन लोग करते हैं। ये चीज बड़ी नाजुक है, उनको पूरा चुन चुन के वो निकालना पड़ता है, फिर वो पूरा सुखाते हैं, और बहुत कुछ इसकी प्रोसेस है, तभी तो वो, पर वो जो मेहनत करते हैं तो वो चीज वैसी है कि उसका फल हमें मिल रहा है,
और हमें हर जगह अवेलेबल रहता है मखाने, और मखाने खाने से कैल्शियम वगैरह में काफी फायदा रहता है। मखाना रोस्ट करके वगैरह बहुत जन खाते ही है, घी में वगैरह फ्लेवर्स बना के वगैरह ऐसे। तो हाँ, तो मखाने के रायते को कैसे करेंगे ना, मखाने अपने आप में ना कचवट रहते हैं, मतलब जब तुरंत हम खा नहीं सकते, तो मखाने को ना रोस्ट कर लेना है हल्का गैस पे, मतलब स्लो गैस पे 5-7 मिनट रोस्ट कर लेना है, पूरे क्रंची बन जाए। उसके बाद दही में डालना है। अब हमें भले भिगाना ही है दही में, मतलब दही में पड़ता ही है, फिर भी हमें वो रोस्ट कर लेना है कि वो जाने के बाद भी हम अच्छे से खा पाए, नहीं तो मखाने। हाँ हाँ खा सकते। और ये एक वेरिएशन है, अगर आपको कुछ इस सीजन के थ्रू कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप फिलहाल अवॉइड करो, ऐसे कर सकते हो। तो ये मखाने को मैं एक फ्लेवर बता रही हूँ कि भाई ये मखाने के रायता बनता है, हमने यूजुअली ककड़ी का, टमेटो का, इसलिए मैंने ये बात ही नहीं छेड़ी, क्योंकि ये नॉर्मल रायते बहुत जन बनाते हैं, कोई मिक्स फ्रूट का भी बनाता है, हालांकि वो नहीं खाने चाहिए, वो सब कोर्स में समझ में आ जाएगी बातें कि क्यों नहीं खाना है, कितना वो हद तक विरुद्ध है, और इससे क्या तकलीफें आ सकती है, कौन सी प्रकृति को कोई चीज सूट नहीं होती है। तो ये सब ना हम वो पूरा सार जो है ना डीप पूरा कोर्स में हम बताते हैं। तो मखाना चेस्टनट करके भी बोलते हैं ना, तो फॉक्स नट ऐसा। तो ये इसमें अब फ्लेवर देने हैं, ठीक है ना। तो हम बारीक चॉप करके हमें डालना है, कोरिएंडर भी हमें डालनी है, और बारीक चॉप करके हमें करी पत्ता भी डालना है। करी पत्ते की बात बीच में सोनिया दीदी ने भी की थी, बहुत सारा उसमें भंडार के साथ बहुत सारा न्यूट्रिशन वैल्यू है, कैल्शियम से लेके मिनरल्स विटामिन बहुत कुछ है। हाँ, तो उनसे सुने थे हमने, तो वो भी पड़ेगा। और इसमें ना राई राई नहीं डालनी है, जीरा का तड़का देना है, और कड़ी पत्ता बारीक चॉप करके ही डालना है, तो जीरा का घी में तड़का देके थोड़ी सी लाल मिर्च डालनी, थोड़ी सी लाल मिर्च, और फिर वो तड़का इसमें मखाने के इसमें डालना है, और ब्लैक सॉल्ट, जीरा पाउडर डालो। अगेन इसमें भी अगर स्वीटनेस डालते हो तो डाल सकते। और मैंने जो दूधी का रायता और वो बताया ना, उसमें आप लोग और एक फ्लेवर अगर पसंद है तो ग्राउंडनट का रोस्ट करके भूका भी 1 चम्मच ऐड कर सकते। अपनी अपनी टेस्ट है, वो रायते में पड़ता है, वो टेस्ट बढ़ा देता है। और अवेलेबल है नहीं है तो ऐसे भी बनाओ या कभी ऐसे भी बनाओ, तो दोनों तरीके से बनता है। तो ये मखाने का रायता हमें लुक वाइज कैसा लगेगा ना, मस्त ऐसे छोटे छोटे से मिनी दही बड़े हो। कोई गेस्ट आते हैं तब हम बनाए, ऐसा नहीं करो, हम हमारे लिए भी खाने के लिए शुरुआत करो, कभी गेस्ट आएंगे ना तब हम ये अच्छा वाला रायता बनाएंगे, ऐसा हमें हम नहीं करेंगे। हम अभी हम जी रहे, कोरोना में कोई आने वाले नहीं है किधर भी, तो हम खुद ही से बनाए और एंजॉय करें, ऐसे हमें हर चीज के लिए रहता है। नहीं ऐसे मैंने किसी से सुना था कि हम बर्तनों के लिए भी ऐसे ही करते हैं, क्रॉकरीज रहती है सुंदर सुंदर, या बहुत सारे महंगे वाले कप या ग्लास रहते हैं और हम रख देते हैं। मुझे पता नहीं ऐसे ही अचानक से बात ये याद आई तो मैं बता रही हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कभी तो किसी के घर गए तो जरूरी नहीं है कि हमको ऐसी क्रॉकरी कहीं से मिलेगी उस पे हम खाएंगे, ऐसा नहीं है। हम हमारे घर में ही अच्छी सी सजावट करके हमारे ही घर में अच्छे से वो क्रॉकरी में पूरा डेकोरेटिव करके फैमिली के साथ हम खाएंगे, तो वो भी खुश होंगे, अरे वाह आज क्या है। कभी संडे या संडे को नहीं तो हफ्ते में 2-3 बार ऐसा करके देखिए,
कभी स्टील के वेरिएशन में आपके पास जो भी बर्तन होंगे उसमें करिए, कभी कांच वाले में करिए क्रॉकरीज में, कभी कुछ ऐसे भी रायता आपने बनाया है तो एक बाउल और कुछ ऐसा सेट होगा, 4 बाउल छोटा, तो उसमें सर्विंग करो पहले ये, ऐसे मस्त ट्रे में सजावट करके टेबल पे रखो। देखो फैमिली वाले को मतलब ना ऐसे नवाई लगेगी, मतलब हमारे में नवाई बोलते हैं, आश्चर्य लगेगा कि आज मम्मी को क्या हो गया है ऐसे हमें लगेगा है ना। तो ऐसे आप कर सकते हो कि वेरिएशन करो पर साथ साथ डेकोरेटिव करो और खुद ही खुश होके खुशी खुशी खाओ, तो ये जो खुशी है ना और बढ़ जाएगी। वो कुछ भी नहीं होगा पर वो जो 15 मिनट का जो मजा रहेगा ना लोगों के साथ, वो डेकोरेटिव खाना देख के साथ में खाया ना, वो बात ही अलग रहती है। जैसे अभी हम बूंदी का रायता बनाते हैं, ले भाई राइस में खा लो, या पुलाव बन गया है खा लो, अपना ले लो, तो वो बात नहीं बनती। पर कभी कभी एक मैंने रायते की बात की, पर हर चीज में या फिर रोज करो, मैं तो बोलूँ हर रोज। अभी आम की सीजन है, कभी आम काटे तो मस्त पूरे आम की सिर्फ आपने चीर की चीर ही सिर्फ काटी है ना, फिर भी बीच में गुठली रखो और पूरा सनफ्लावर जैसा फ्लावर का पूरा ऐसे चीर को लंबा 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 रखो, सनफ्लावर जैसा बना डालो और ऐसे पेश करो, थाली में ही रख, सिंपल सी थाली में रखो, पर वो सिर्फ ऐसे लंबी 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 चीर पूरा राउंड में घुमा दिया ना सनफ्लावर का फ्लावर लग, और बोलेंगे कि वाव, मतलब वो सिंपल सा रहेगा फिर भी लगेगा वाव। तो घर में ही मजा करना चाहिए, बहुत छोटा सा जीवन है वो, ये ही जीवन है, आगे करेंगे कल करेंगे बाद में करेंगे, नहीं बॉयल नहीं करना है, वो दही में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ऑलरेडी वो रोस्ट हो गया है ना, वो रोस्ट के साथ साथ वो आपे ही एब्जॉर्ब करेगा, और मतलब जो चवट जैसा रहता है ना, मतलब चबाना पड़ेगा ना, वैसे नहीं रहेगा। और इसमें मैंने ये फ्लेवर बताया, हाँ पर आपको और कोई फ्लेवर चाहिए ना तो आप बना सकते। तो सुंदर से दो मैंने रायता बताया, हमारा समय भी पूरा हो रहा है, कोई बात नहीं, और कुछ इसके ऊपर अगर सवाल है तो आप पूछ सकते हो, और ऐसे सुंदर सा डेकोरेटिव करके आप, नहीं, ड्राई ड्राई रोस्ट ही रखिए, ड्राई रोस्ट करके दही दही को घोल लेना है और उसमें डालना है, उसको बॉईल करने की जरूरत नहीं है, हम सब्जी नहीं बना रहे तो कोई भी जरूरत नहीं। तो ये दो रायते बनाओ, एंजॉय करो, कभी ना कभी हमें भी फोटो शेयर कर दो, हमारे नंबर्स आपके पास है ही है, तो ये कर सकते हो, और पूरा कैल्शियम है और हेल्दी चीज है, नहीं ब्यूटीफुल बेस। मिल जाएगी मिल जाएगी, पर्सनल में भेज दो मैसेज, हम शेयर करेंगे कर देंगे। मखाना रोस्ट करके दही में ऐड करना है, फ्लेवर आप जो भी बनाओ, जीरा पाउडर डालो, काला नमक डालो, हल्की सी कोई स्वीटनेस डाल दो, चॉप्ड करके कोरिएंडर और चॉप्ड करके करी पत्ता ये डालना है। और देखो आकांक्षा जी ने डाल ही दिया है, वो रिकॉर्डिंग का है ना, तो वो रिकॉर्डिंग के लिए जो लिंक भेजी है उसके ऊपर आप अपना वो छोटा सा 2-3 क्वेश्चन है वो भर दोगे, और आप अगर मांगोगे तो आपको वो फिर लिंक थ्रू आपको पर्सनल में वो रिकॉर्डिंग भेज देंगे हम लोग। वो हमारे इतनी सेवा चल रही है, ऐसे ऐसे हम सब में एक एक मतलब ऐसे हम जुड़ के ऐसे काम कर रहे हैं ना, पीछे से भी काम इतने चल रहे हैं, इतना उन्होंने आप लोगों के लिए सोचा है, और उन्होंने ऐसे मैसेज बनाया है कि किसी को भी तकलीफ ना हो, और अच्छे से हम आपको शेयर कर पाए, आप पर्सनली हमें वो फॉर्म भर, वो फॉर्म जैसा नहीं है, उसमें 2-3 लाइन कुछ नाम और कुछ फोन नंबर ऐसे कुछ रहेगा, और वो हमें आप बोल दोगे कि ऐसे में डिटेल चाहिए तो मिल जाएगी, और वो उसके ऊपर बहुत बड़ा वर्क कर रहे 4 दिन से, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड है कि हमें ये चाहिए, हमें रिकॉर्डिंग दो, हमें ये दो, तो हम सबको बहुत कुछ एक एक लिख लिख के हम नहीं दे पा रहे,
तो हम ऐसे ऐसे आइडिया की कि हमने एक जी बना डाला है और हम आपको शेयर कर, तो आपको सब मिलता जाएगा। रीना, कोई हाँ हाँ क्वेश्चन पूछना चाहता है? मैंने उनको अनम्यूट किया है। ठीक ठीक उषा जी बोलिए। उषा जी या गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बोलिए योर बोलिए। हाँ योर यस सेशन गुड इज, इवनिंग। योर वीडियो भी खोल सेशन दो ना इज आप अपना। ऑल द टाइम, योर सेशन इज सुपर्ब। थैंक यू। आप अपना चेहरा भी दिखा दो। योर वेर विल आई, 1 मिनट, पार्टिसिपेंट में नो शेयर। नहीं, स्टॉप वीडियो और म्यूट, म्यूट के बाजू में स्टॉप वीडियो है वो ऑन कर। या दैट वीडियो इज आई देयर, सेंड यू अ रिक्वेस्ट, या जस्ट क्लिक ऑन दैट। वेयर, या हाँ एक्सेलेंट टॉपिक, एक्सेलेंट, बट द थिंग इज आई डोंट अंडरस्टैंड दैट व्हिच यू सेड, द फॉक्स टेल, नो व्हाट यू सेड, इट इज अ लोटस सीड, वेयर विल वी गेट इट, मखाना, ग्रोसरी शॉप। हाँ मखाना, इट इज हाँ नेम्ड एज मखाना, मखाना, जस्ट इट यू इज नेम्ड सेड एज मखाना मखाना। ओनली, यस यस, ओके, एंड टुंगा द चेडा स्टोर, इट इज फॉक्स नट है, अवेलेबल, अदरवाइज फॉक्स नट आप बता सकते हो, फॉक्स नट या ओके लॉटस पफ ऐसे ओके कुछ देखो तो। और आप कल आ जाइए, ये मेरे पास है अभी पर मुझे उठना पड़ेगा, मैं दिखाऊं। तब तक सोनिया आप बात करो, मैं बताती हूँ। Yeah, sure. हाँ Yeah, हाँ and हाँ all the sessions are superb. Some of the sessions I missed it because of the net connection and all. So I don't want to miss it. But what the people are requesting, the recording and all, you know, at least you can post it. I don't want to miss यस it at यस, all. यू फिल द फॉर्म इन ग्रुप, हाँ इन ग्रुप देयर इज फॉर्म, यू फिल इट, यू विल द रिकॉर्डिंग, Yeah, sure. हाँ। एंड इन द चैट बॉक्स द डिटेल्स ऑफ द कोर्स आर देयर, प्लीज एनरोल योर सेल्फ। ओके हाँ, यू विल गेट इनफाइनाइट नॉलेज, हाँ एंड इनफाइनाइट। That I'm is just sure. showing what was makhana. Hansa ji हाँ is also showing. यस Can you हाँ spotlight me? हाँ हंसा जी, उनको मैं स्पॉटलाइट पे हाँ डालू? यही वेर वेर I am not able to यही, मुझे see. भी मिल गया। Okay. Oh, this is Sunday. हाँ दीज आर मखानास। थैंक यू हंसा जी। Just roast it. That's it. Excellent. Thank you so much. Otherwise, I wouldn't even know this. 40 years I am staying in Matunga. मखाना बोलिए ना, मखाना। Yeah, sure. 40 years I have been there in Matunga. I don't know all these things. Just ओ Buddhu only. नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। आप आपकी वो जो नीर डोसा और ये सब चीजें हमने कभी नहीं सीखा है अभी तक। इडली, सॉफ्ट इडली, और हाँ फिर वो हमारे फेवरेट है। अच्छा लगा आपसे बात कर। At present, now I am put up at down south, nearer to Madurai, because of अच्छा my अच्छा husband's ailment, and moreover, I came for my sister's daughter's wedding. So after that corona, I was not able to travel because of my husband's spinal cord injury. So he is bedridden. Now that wheelchair is not, I mean, inside the aircraft, the high heel wheelchair is not permitted. So I'm staying अच्छा back at down south only. So when I come to Matunga only, I can avail all these materials. Otherwise, in down south, they are not using all this, and nothing is available here. Not like Bombay. हाँ Our Bombay is Bombay only. राइट No? यस My husband is bent upon telling when to go to Matunga, when to go to Matunga, when to go to Matunga, because he's born and brought up, he is from Matunga only. So after marriage, I had come to Matunga.
I am also feeling that way means how he will feel, you just see, you know. बहुत अच्छा है माटुंगा, मैं yeah, काफी टाइम गई हूँ. I know. So I will call you after I come back. I will call you for my this idlis, vidlis and all. Neeru dosa, idlis and all. Yes, yes, yes. we will have a get together. Sure, sure. Yes, yes. मैं स्टेशन के पास रामाश्रय होटल में मैंने नीरडो बताई. या बट इवन दो होममेड फूड इज होममेड फूड व्हाट यू से होममेड. हां यस यू नो दैट इज राइट दैट इज देयर. या आई विल कॉल यू. थैंक यू सो मच माय डियर सुधा. बाय. वेलकम वेलकम. या हेलो हाउ आर यू. आफ्टर लॉन्ग टाइम आई मेट यू. Because 2-3 sessions I missed it because of my internet connection. So last time also I missed it. The previous one also I missed it. कोई अनुभव शेयर करना चाहते हैं क्या हमारे पार्टिसिपेंट्स में से 2 मिनट के लिए, या जो हमारे रोज सेशन सुन रहे हैं वो भी बोल सकते हैं. हाँ ओके. चैट बॉक्स में आप अपना नाम डालो या हाथ ऊपर कर ले, जिनको भी 2 मिनट के लिए कुछ बोलना है. रेखा. ओके रेखा जी, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ. आप अपना वीडियो ऑन करिए. हाँ थैंक यू. वीडियो ऑन करिए ना. किया किया. हाँ ओके. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. हाँ जय गुरुदेव. ये मखाना घी में रोस्ट कर सकते हैं? कर सकते हो, पर रायते में ही डालना था तो ऊपर से हम तड़का दे रहे हैं ना. हाँ. चल जाएगा. नहीं वैसे रोस्टेड अगर तड़का नहीं देते हो तो करो. हाँ. तो कर दो. ठीक है. तड़का नहीं देते हम लोग. नहीं देते हो तो करो. हाँ ठीक. ये तड़का भी क्यों देना है हम कोर्स में बताएंगे. हेयर ऑयल का रिकॉर्डिंग नहीं सुना था? नहीं सुने. ठीक है. आकांक्षा जी ने जो लिंक डाली है ना वो भर दो, उसमें आपको फिर शेयर कर देंगे वो. Okay. सभी लोग भर दीजिए ये फॉर्म. आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगे और हमें भी आपके बारे में कुछ पता चल जाएगा. आपको कैसा लग रहा है आगे, आप क्या सीखना चाहते हैं. हैप्पीनेस प्रोग्राम किया है मैंने और ये होलिस्टिक कुकिंग में इंटरेस्ट आ रहा है. हाँ थोड़ा रोज सुनते है ना तो अच्छा लग रहा है. एनरोल कर लो. हमने लिंक डाली है चैट बॉक्स में, हर ग्रुप में डाली है. आप एनरोल कर लो. फिर से आ जाइए लिंक आकांक्षा जी ने डाली है तो आप उसमें क्लिक करके 2 मिनट लगता है सिर्फ एनरोल करने के लिए. ज्यादा कुछ नहीं है भरना ये वाला. आकांक्षा जी ने भर लो. आई एम फ्रॉम भोपाल. अच्छा ओके ओके. हमें ऑनलाइन तो इतने नजदीक से मिल रहे हैं, भोपाल कहाँ, एक ही इंच का डिफरेंस है. तो ऑनलाइन हम एक एक इंच में मिलेंगे. ये ज़ूम है ना, कोरोना की देन है. प्रीति जी को अनम्यूट करो ना. प्रीति जी को. हाँ प्रीति जी अनम्यूट की देन है पर अच्छी बात है ना. आप कब मिलते हमें. हाँ बोला प्रीति बोला. हाँ जय गुरुदेव. सुनते हैं. हाँ हा कोर्स ना आमचा खूप पूर्वीच झालेला होता. अच्छा. सो त्यावेळी हे ऑनलाईनचं हे नव्हतं. मग ते आता आम्हालाही व्हॉट्सअप ग्रुप मध्ये ऍड करून घ्या ना, तुमचा जो रेग्युलर आहे तो कोर्स पार्टिसिपंटचा, कि रेग्युलर एक कन्व्हर्सेशन मध्ये आपण राहू शकू असं. आप अपना नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में. हाँ हाँ 2011 मध्ये झालेला. प्रीती गांधी मुंबई.
प्रीति गांधी संता क्रूज चत ओके त्यावेळी हे नव्हतं ना व्हॉट्सअप ऑनलाईनचं हे त्यावेळी नव्हतं आता कसं व्हॉट्सअप हे फॉर्म केलं यार क्लोज कनेक्टेड झालो आपण खूप त्यामुळे ते जर तुम्ही तुमचं जर रेग्युलर कोर्स पार्टिसिपेंट आहे त्यात जर असे ऍड करून घेतलं तर थोडं कनेक्शन राहत तुम्ही फॉर्म भरून घ्या फॉर्म मध्ये फॉर्म भरून घ्या आणि नंबर हे करून घ्या म्हणजे तुम्हाला एससीसी ग्रुप मध्ये आम्ही ऍड करून घ्या चालेल प्रीतीजी एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे हमारे मैसेज 10 लोगों को रोज फॉरवर्ड करिए हो करती है करती है हाँ ठीक है तो आपकी बैठे बैठे सेवा भी हो जाएगी और हो करती है करती है करती है ठीक है अजून एक अजून एक ऑफर आहे तुम्ही 3 पार्टिसिपंटना घेऊन या तुम्हाला मग फ्री मध्ये ऍज अ व्हॉलंटियर तुम्हाला रिपीट जॉईन होता येईल बर म्हणजे अपडेटेड होणार अपडेटेड हो चालेल 3 पार्टिसिपंटला रजिस्टर करून घ्या आजपासूनच कामाला लागा हो हो करतेच आहे सांगतेच आहे मी प्रॉपरली एकदम विथ डेडिकेशन 3 पार्टिसिपंट मिळवा मग ऍज अ व्हॉलंटियर तुम्हाला आम्ही जॉईन करून घेऊया जॉईन चालेल हो थैंक यू वेलकम चलो मीटिंग एंड करें टाइम हो गया है फिर हमारा नेक्स्ट सेशन भी है सुदर्शन क्रिया का इंट्रो था तो उसमें भी जुड़िए और दूसरे लोगों को भी जोड़िए लिंक डाल दिए सभी ग्रुप्स में तो हम लोग मिलते हैं 7:30 बजे तब तक के लिए बाय बाय अच्छा विजया जी बोल रहे हैं ऐड मी टू उनका कोर्स हुआ है क्या विजया हाँ, जी एक मिनट विजया जी ने अभी डाला नंबर वगैरह और उन्होंने बोला कि मुझे भी ऐड करो हाँ उन्होंने डाला है उनका कोर्स हुआ है शायद हाँ ये तो ऐड है हमारे साथ ही उन्होंने कोर्स किया है हाँ तो फिर हाँ तो वो तो एडेड है ना हाँ वो तो हाँ, है ना ग्रुप्स में है ना हाँ, फिर भी मैंने नोट तो किया है कंफर्म करती हूँ हाँ, ठीक है हाँ ओके बाय